सागर में भक्तमाल कथा के समापन के बाद संत किशोर दास महाराज गुरुवार को अटल बिहारी सरकार के दर्शन करने पहुंचे। साथ ही संजय ड्राइव महाराज ने क्रूज से जल विहार किया। यहां भी भक्तों ने आशीर्वाद लिया और भक्ति रस में रहे। इससे पहले उन्होंने संत निवास कॉलोनी में कई परिवारों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद महाराज जी संस्कृत विद्यालय पहुंचे, जहां बटुकों ने मंत्रोच्चारण से महाराज जी का स्वागत किया। महाराज जी ने यहां पढ़ रहे बच्चों से संवाद किया। अब आपके शहर सागर में पाराशर फोटो गुड्स 0% फाइनेंस सुविधा के साथ सभी कंपनियों फोटो एवं वीडियो डिजिटल कैमरा ऑनलाइन से भी कम रेट पर उपलब्ध है। अटल बिहारी सरकार के दर्शन के दौरान पुजारी के आग्रह पर वे गौशाला पहुंचे और गौ सेवा की। संत निवास पर सुबह 7 बजे से ही भक्तों की भीड़ रही। 57 लोगों ने गुरु दीक्षा ली। दोपहर में महाराज जी दीनदयाल नगर स्थित डॉक्टर अनिल तिवारी के निवास पर पहुंच गए। यहां शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक गुरु दीक्षा समारोह होगा। दोपहर 2 बजे से सभी गुरु भाइयों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गुरुदेव भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर चर्चा होगी। शाम 5 बजे से सदगुरु भगवान का सत्संग कार्यक्रम होगा। लोगों ने दीनदयाल नगर पर पहुंचकर गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। गुरुदेव को अनुराग प्यासी के परिवार ने विदाई दी। और हम एक रूप से कहीं ना कहीं सखी के स्वरूप में उन्हीं कुंजों में है और उसी यमुना पुलिन के रस वातावरण में सहचरी भाव भावित होकर के अपने गुरु नित्य सहचरी बपू के अंग संग और यह सौभाग्य हमें भी मिला हुआ है, ऐसा अनुभव करते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए यदि हम चिंतन करेंगे अपने भाव दृष्टि से या अवलोकन करेंगे तो हमें लगता है कि शरीर धर्म से तन से मन से सर्व रूप में वह साधक भी उसी लीला सुख में अपने आप में निमग्न कर लेगा। और वस्तुतः यह लीला रस सागर हमारे अंतःकरण में स्फुटित हो गया, प्रकट हो गया तो हमने सर्वस्व पा लिया, सहज पा। अब आपके शहर सागर में पाराशर फोटो गुड्स 0% फाइनेंस सुविधा के साथ सभी कंपनियों फोटो एवं वीडियो डिजिटल कैमरा, एक्शन कैमरा, मोबाइल कैमरा, कैमरा जिम्बल, कैमरा एवं मोबाइल के माइक, फोटो एवं वीडियो लाइट ऑनलाइन से भी कम रेट पर उपलब्ध है। पता है श्री देव अटल बिहारी जी मंदिर के सामने, बड़ा बाजार सागर।